संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग को एक बार फिर से खुद से दूर कर लिया है। ये वोटिंग यूक्रेन के चार नए इलाकों पर रूस के कब्जे और वहां अवैध जनमत संग्रह करने के खिलाफ पेश निंदा प्रस्ताव पर हुई। हालांकि सुरक्षा परिषद यूएनएससी में पेश प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि रूस ने वोटिंग का इस्तेमाल कर दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में 10 देशों ने रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग की। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत, चीन, ब्राजील और गेबन वोटिंग से दूर रहे। यूक्रेन मामले पर भारत पहले भी यूएन में वोटिंग से दूरी बना चुका है। बताना चाहेंगे कि रूस ने चार इलाकों पर कब्जा किया है। दरअसल रूस के कब्जे के खिलाफ मौजूदा प्रस्ताव 30 सितंबर को अमेरिका और अल्बानिया ने पेश किया था। प्रस्ताव में यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर कथित अवैध जनमत संग्रह करवाने की निंदा की गई। प्रस्ताव रूस के यूक्रेन में आपको बताना चाहेंगे कि रूस के यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे को अवैध बताया गया। कहा गया कि ये इलाके अस्थायी रूप से रूस के नियंत्रण में है, इसलिए रूस की किसी कार्रवाई को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत ने यूएन में आखिर क्या कहा। दरअसल वोटिंग से दूरी बनाते हुए भारत ने यूक्रेन में जारी हिंसा के तुरंत बाद करने की भी वकालत की है, उसको तुरंत बंद करने की, उसके बाद हिंसा होने के बाद तुरंत उसे बंद करने की वकालत की। भारत ने कहा कि विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत की ओर से लौटने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिका कंबोज ने इस दौरान कहा है कि यूक्रेन में हालिया घटनाक्रमों से भारत काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा इसकी वकालत की है कि लोगों को जिंदगी की कीमत पर इस संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि रुचिका कंबोज ने सुरक्षा परिषद में भी बैठक के दौरान कहा था कि भारत यूक्रेन में तुरंत हिंसा और लड़ाई रोकने की मांग करता है। विवादों और मतभेदों को सिर्फ बातचीत के जरिए खत्म किया जा सकता है। बातचीत जो है उसके हर रास्ते को खुला रखने की इस वक्त जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर के साथ सहित कई अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत की थी। और इससे पहले 24 अगस्त 2022 को भारत ने यूक्रेन के मसले पर पहली बार रूस के खिलाफ वोट भी किया था। हालांकि इससे पहले सुरक्षा परिषद में हर मौके पर उसने रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई थी। आपको बताना चाहेंगे कि रूसी राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन ने 30 सितंबर को यूक्रेन के चार इलाकों को रूस में शामिल करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। रूस का कहना था कि ये जनमत संग्रह के जरिए करवाया गया है। पुतिन के मुकाबले कई सारे जो लोग हैं, अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं, लोगों द्वारा इस पर अपनी पसंद भी जाहिर की थी। हालांकि अमेरिका सहित पश्चिम देश जो है उनके उनके द्वारा रूस के इस कदम की आलोचना भी की थी। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।